assalamu alaikum dear students kaise aap sab my name is anam rabani and i am your teacher of social studies for class 7 But hum padh chapter number 19 we were studying about the first 25 years of our country और आज मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट कि हमारी गवर्नमेंट काम किस तरह करती है तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों जो टॉपिक आज मैं आपको समझाने लगी हूँ वो एक्चुअली आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आपकी बुक में कुछ लाइंस गिवन है जो समझाने के लिए पहले ये टॉपिक समझना जरूरी है सो लेट्स टेक इट एज एन एक्स्ट्रा क्लास हम पढ़ेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट में देर इज अ पार्लियामेंट यानी के पार्लिमानी जमुरी निजाम चलता है हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अब पार्लियामेंट के आगे से दो हिस्से होते हैं वन इज सेनेट एंड अदर वन इज असेंबली आपने अक्सर टीवी पे खबरों में भी सुना होगा असेंबली का बार बार नाम लेकिन कई बार ये स्ट्रक्चर हमें समझ नहीं आता तो इसीलिए आज मैं आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझाऊंगी ताकि आपको चीजें समझ आने लग जाएं। अब असेंबली के आगे से दो पार्ट्स होते हैं वन इज नेशनल असेंबली एंड द अदर वन इज प्रोविंशियल असेंबली यानी कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली अब नेशनल असेंबली में देयर आर 342 सीट्स नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्शन के थ्रू आते हैं यानी हमारे वोट्स के थ्रू आते हैं हम जिन लोगों के लिए वोट करते हैं वही नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स बनते हैं प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट करती है हमारी नेशनल असेंबली अब अगर किसी ने हमारा प्राइम मिनिस्टर बनना है वजीर आजम बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास नेशनल असम्बली में सीट्स ज्यादा हों मैंने आपको बताया कि नेशनल असम्बली की टोटल 342 सीट्स होती हैं अब अगर किसी ने हमारा वजीर आजम बनना है तो उसके लिए उसको चाहिए कि उसके पास 342 के हाफ से यानी के 170 सेवेंटी या फिर 170 से ज्यादा सीट्स हो अगर उसकी जमात के पास 170 या 170 से ज्यादा सीट्स नहीं होंगी तो फिर वो हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता तो बच्चों एक बार फिर से मैं सब कुछ आपके लिए रिवाइज कर रही हूँ बिकॉज इट इज यूजली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हमारी एक पार्लियामेंट है जिसके दो पार्ट्स हैं वन इज सेनेट एंड द अदर वन इज असेंबली असेंबली के फर्दर कितने पार्ट्स हैं राइट right, दो एक नेशनल असेंबली यानी कि कौमी असेंबली एंड अदर वन इज प्रोविंशियल असेंबली यानी कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की टोटल 342 सीट्स हैं अब 342 सीट्स हैं वरना काफी अरसा पहले देर वर 300 सीट्स क्योंकि उस वक्त आबादी कम थी एंड नाउ इट इज 342 सीट्स नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली में जितने भी लोग बैठते हैं इनके जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको हम इलेक्ट करते हैं यानी कि वो हमारे वोट्स के थ्रू आते हैं वो हमें नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे मसले आगे लेकर जाते हैं और वहां जाकर उनको रिप्रेजेंट करते हैं बताते हैं देन प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली मैंने आपको समझाया कि अगर किसी ने हमारा वजीर आजम बनना है अगर किसी ने हमारा प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास नेशनल असेंबली में 170 से ज्यादा सीट्स हो। 170 से ज्यादा क्यों क्योंकि नेशनल असेंबली में 342 सीट्स हैं तो उसको 342 के हाफ से ज्यादा सीट्स चाहिए यानी के 170 से ज्यादा 342 का हाफ कितना बनता है राइट right, वन तो अगर किसी ने वजीर आजम बनना है तो उसको 170 से ज्यादा सीट्स चाहिए होंगी प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट चीफ मिनिस्टर्स और हमारे वजीर आला कौन बनाता है हमारे वजीर आला बनाती है हमारी प्रोविंशियल असेंबली यानी कि हमारी सूबाई असेंबली सेंटर इलेक्ट प्रोविंशियल गवर्नर्स और हमारा जो विफाक है हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बनाती है हमारे प्रोविंशल गवर्नर्स यानी कि हमारे सूबाई गवर्नर बनाता है हमारा विफाक हमारी फेडरल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट फॉर फाइव पार्लियामेंट का मैंने आपको शुरू में बताया जिसके दो हिस्से हैं सेनेट एंड असेंबली तो जब भी कोई प्रेसिडेंट आता है तो उसको इलेक्ट करती है हमारी पार्लियामेंट फॉर फाइव ईयर्स और प्रेजिडेंट को कौन चुनता है जो भी जमात जीतती है वो अपनी मर्जी का बंदा प्रेसिडेंट के तौर पे पेश करती है या उसको प्रेसिडेंट लगाया जाता है Then on 30th April 2002, 2007. तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ हमारे प्रेजिडेंट लगे किस तरह उनके प्लेन को मुल्क से बाहर डायवर्ट करने की कोशिश की गई थी नवाज शरीफ की तरफ से लेकिन क्योंकि उन्हें पहले से इस बात का अंदाजा था कि उनके खिलाफ कोई चाल चली जा रही है इसलिए वो इस चीज का इंतजाम करके गए थे उन्हें अंदाजा था कि उनके साथ कुछ गलत किया जा सकता है इसलिए उन्होंने अपनी जगह चार बंदे छोड़े और जब उनके प्लेन को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई तो यहाँ पे जो लोग वो छोड़ कर गए थे उन्होंने इस बात को अश्योर किया कि अगर कोई चाल चली जाए तो वो उसके बदले में कोई चाल चल सके और प्लेन को सेफली कराची में ही लैंड कराया जाए हमने पढ़ा था कि जनरल परवेज मुशर्रफ जब कराची पहुंच गए तो उसके कुछ ही अरसे बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिसमिस कर दिया गया यानी कि उनको उनकी सीट से उनकी अथॉरिटी से हटा दिया गया तो फिर ऑन थर्टी अप्रैल 2002 परवेज मुशर्रफ की प्रेसिडेंसी को एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2007 यानी कि तकरीबन पांच सालों के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ को हमारा प्रेसिडेंट बना दिया गया एंड दिस हैपेंड थ्रू रेफरेंडम यानी कि ये किस तरह हुआ राय शुमारी से हुआ तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और थ्रू रेफरेंडम प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ वाज गिवन प्रेसिडेंसी टिल 2007 तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली एक स्ट्रक्चर समझाया कि हमारी गवर्नमेंट काम किस तरह करती है किस तरह डिफरेंट लोग इलेक्ट होकर हमारी गवर्नमेंट में आते हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लिए काम करते हैं अगले लेक्चर में फिर से हम पढ़ेंगे कि हमारे मुल्क के फर्स्ट ट्वेंटी फाइव में कौन कौन से अप्स एंड डाउन आए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज